Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। हमारे इंडिया में बहुत तरह के खाने मिलते हैं। उन खानों में कहीं राजस्थान का, कहीं लखनऊ का, कहीं कानपुर का, कहीं दिल्ली का, कहीं कश्मीर का, इस तरह से न जाने कितनी तरह के जायके वाले खाने को मिलते हैं। उन्हीं में से राजस्थान का काफ़ी प्रसिद्ध गुलाब जामुन की सब्जी, यूँ तो हम लोगों ने गुलाब जामुन के रसगुल्ले खाए होंगे, लेकिन गुलाब जामुन की सब्जी काफ़ी प्रसिद्ध सब्जियों में से है। वहाँ पे शादियों में या फिर गेस्ट आपके यहाँ आ रहे हों तो वो ख़ास तौर पे वो सब्जी बनाई जाती है। गुलाब जामुन की सब्जी काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। वही सब्जी राजस्थान की काफ़ी फेमस सब्जी गुलाब जामुन की सब्जी आज हम अपने किचन में अपने अंदाज में बनाएंगे। तो आइए, गुलाब जामुन की सब्जी को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए देख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। गुलाब जामुन की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम खोया लिया है और 200 ग्राम खोए के साथ हमें 50 ग्राम हमने पनीर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर पनीर नहीं डालना है तो ना डालें। गुलाब जामुन की अभी तक आपने गुलाब जामुन रस वाली खाई होगी, लेकिन इसकी सब्जी काफ़ी बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो और इसके लिए आप खोया स्मूथ वाला लें, कुछ खोया दरदरा और दानेदार होता है और ये काफ़ी थोड़ा सा हार्ड होता है, इस तरह से स्मूथ खोया आप लें और फ्रेश होना चाहिए खोया हमारा। तो खोए को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। रस वाला गुलाब जामुन आप बना रहे हो या फिर आप उसकी सब्जी बनाने जा रहे हो, खोए की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी आपके रस वाले रसगुल्ले या फिर आपके जो उसकी सब्जी गुलाब जामुन की बना रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन बनेगी आपकी सब्जी। और अपने हाथों की ये गदेली से हमें इस तरह से पाम से हमें इसको मसलना है अच्छे से ताकि एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर इसका हो जाए और आपस में पनीर के साथ ये मिक्स हो जाए। गुलाब जामुन की सब्जी है तो सबसे पहले हमें गुलाब जामुन को तल करके तैयार कर लेना है। 200 ग्राम खोए में 50 ग्राम हमने पनीर डाला है और 60 ग्राम हम मैदा लेंगे। आप मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं और इसके साथ हमें इसको मिक्स कर लेना है। और गुलाब जामुन की सब्जी है तो थोड़ा सा इसमें खुशबू होना चाहिए तो इसमें हमें इलायची डालना है। हमने यहाँ पे आधा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची लिया है ताकि इसका अच्छा सा एक खुशबू वाला फ्लेवर आए। और साथ में हम इसमें जावित्री और जायफल का पाउडर डालेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए इसमें, क्योंकि सब्जी के लिए हम बना रहे हैं। अगर आप सब्जी के लिए नहीं बना रहे हैं, सिर्फ आप काले वाले रसगुल्ले गुलाब जामुन रस वाले बना रहे हैं तो फिर इसमें इलायची का ही पाउडर डालेंगे और इसमें जावित्री जायफल का पाउडर नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम गुलाब जामुन की सब्जी बना रहे हैं तो हमने इसमें जावित्री जायफल का पाउडर डाला है। इसको रसगुल्लों को बना के 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और कोई भी अचानक गेस्ट आ जाए तो ये शाही अंदाज वाली आप गुलाब जामुन की सब्जी बना कर के सर्व कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से नीट करते हुए घूमते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गया है, काफ़ी स्मूथ हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी हमें छोटी छोटी बॉल बना लेनी है, इस तरह से छोटे छोटे हमें बना लेना है और इस तरह से अच्छे से हमें इसको कहीं भी क्रैक ना हो एक बॉल बना लेना है। बॉल के शेप में इस तरह से कहीं भी क्रैक ना हो, नहीं तो आप जब इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे। तेल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, वो गर्म हो रहा है हमारा और इधर हमारी बॉल बनकर तैयार हो जाएगी डीप फ्राई करने के लिए। सारे बॉल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और तेल भी हमारा हल्का गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पे हमें एक एक करके इसको डालते जाना है और लाइट गोल्डन कलर करना है, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर आप रस वाले रसगुल्ले बना रहे हैं तो थोड़ा सा डार्क कर लें। एक एक करके हमें इसको पलटते जाना है। अब ये हमारे अच्छे से बॉल अच्छा सा एक कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा डार्क हमने नहीं किया है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत इसका ये कलर आया है, यही कलर हमें रखना है। और इसको निकालने के बाद इसी तेल में हमें ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तेल की क्वांटिटी हमें कम कर लेना है,
देखिए आज बच्चों को बड़ों को सबको मजा आने वाला है, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये देखिए इस तरह से हमें कलर रखना है। अब हमें ग्रेवी तैयार कर लेना है। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे दो मीडियम साइज के हमने प्याज लिया है, दो टमाटर, 5 से 6 हमने काजू ले लिया है। अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसमें 2 टमाटर 2 प्याज और काजू ले लिया है। इन सभी को हमने आधा कप पानी डाल करके रफली हमने काट लिया और आधा कप पानी डाल करके हमने थोड़ा सा पका लिया था 3 से 4 मिनट। और फिर उसके बाद हमने इसका इस तरह से एक महीन पेस्ट बना लिया है। ये हमारी ग्रेवी में जाएगी। और यहाँ पे हमने तेल को कम कर दिया है, जिसमें हमने ये गुलाब जामुन के बॉल को हमने निकाला है तल करके, इसमें तेल को हमने कम कर दिया है। इसी तेल में हमें ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तेल हमारा गरम है, इसमें हमें खड़े मसाले डालने हैं। एक हमने बड़ी इलायची लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है और साथ में एक छोटा टुकड़ा जावित्री का, 2 लौंग और 2 हरी इलायची हमने लिया है। इसको डाल देंगे इस तेल में। थोड़ा सा ये मसाले की खुशबू इस तेल में आ जाएगी। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ में कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे और इसके साथ जो ये हमने पेस्ट बना करके रखा है वो डाल देंगे और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद बाकी के मसाले हम इसमें डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर हमने डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डालें। और इसके साथ इसमें 1.5 स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए। 3 से 4 चम्मच हमने इसमें पानी डाल दिया है और इन मसालों को हमें बीच बीच में चलाते हुए ढक देंगे और बीच में चलाते हुए इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। 3 से 4 मिनट हो गया है, बीच बीच में हमें इसको चलाते जाना है ताकि हमारे मसाले नीचे लगे ना और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। देखिए ये तेल मसाला छोड़ने लगा है, लेकिन अभी 2 से 3 मिनट हमें और भून लेना है। दही डाल लेंगे 2 चम्मच। दही का फ्लेवर, कोई भी ग्रेवी आप बना रहे हैं तो दही का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, वो ग्रेवी को काफ़ी रिच और क्रीमी बना देता है। तो अगर दही आपके पास है तो दही ज़रूर डालें इसमें। अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, हमने जो मिर्च की क्वांटिटी इसमें डाली है लाल मिर्च की, उसके अलावा हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। 2 हरी मिर्च हम इसमें काट के डाल देंगे और इसे हमें फिर कवर कर देना है और बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है, क्योंकि इसमें इन मसालों में काजू का पेस्ट है तो मसाले जल्दी नीचे तले में लगने लगते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और इसकी भुनाई अच्छे से बीच बीच में हमें करते जाना है, फिर इसको हमें कवर कर देना है। 2 से 3 मिनट हो गया है दही के साथ मसालों की भुनाई करते हुए और ये काफ़ी अच्छे से ये हमारे मसालों में तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी अपने हाथों से अच्छे से मसल करके डाल लेना है ताकि इसमें इसकी अच्छी सी खुशबू आए। मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हमें ग्रेवी के लिए 1 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। बहुत इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं रखना है, मीडियम हमें इसकी ग्रेवी रखनी है। अब इसमें हमें गुलाब जामुन के बॉल को हमें डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे हमें 1 उबाल आने तक हमें इसको थोड़ा सा पका लेना है। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये हमारी गुलाब जामुन की सब्जी बनकर तैयार हो रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप किचन में इसको बनाएंगे तो वाकई में आपकी फैमिली में कोई भी हो या फिर आपके गेस्ट बैठे हों, उन्हें एहसास हो जाएगा कुछ स्पेशल उनके लिए बन रहा है, क्योंकि इसकी खुशबू ही काफ़ी बेहतरीन है इन मसालों की। इसे हमें कवर कर देना है। 3 से 4 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है। 1 बॉइलिंग इसमें आएगा, फिर हमें बंद कर देना है और आपकी गुलाब जामुन की सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें हमें 2 चम्मच क्रीम डाल देना है। बाकी का क्रीम हमें गार्निशिंग के लिए जब हम सर्व करेंगे उस बाउल में हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व करने के लिए ये हमारी गुलाब जामुन की सब्जी तैयार हो गई है। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं।
गुलाब जामुन की शाही अंदाज वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये सब्जी आपके मेहमानों को, आपके फैमिली मेम्बर को ज़रूर पसंद आएगी। सभी ने गुलाब जामुन रस वाले मीठे में खाए होंगे, लेकिन गुलाब जामुन की सब्जी जब आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान और आपके बच्चे आपकी जम के तारीफ़ करेंगे और उनके चेहरे पर मिलने वाली खुशी आपकी मेहनत को सफल करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको हमारी गुलाब जामुन की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स दें हमें। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है और आपके हौसले का हमें इंतज़ार रहता है। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहें। हमारे हंग्री स्पून चैनल को इसी तरह से अपने दोस्तों में, परिवार में शेयर करें, लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद हंग्री स्पून।